हेलो एंड वेलकम टू अपेरिनिस्टिक। आज हम लोग जानेंगे आर्ट एंड लिटरेचर इन गुप्ता एम्पायर के बारे में, यानी गुप्ता एम्पायर जिसके बारे में हम लोग अपने पिछले एपिसोड में जान चुके हैं, जिसे कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वहाँ पे आर्ट, लिटरेचर, विज्ञान, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। इन्हीं के तारतम्य में आज हम लोग आर्ट और लिटरेचर के बारे में जानेंगे कि इनका क्या विकास हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम लोग ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आर्ट एंड लिटरेचर इन गुप्ता एम्पायर। आज हम लोग ये जानेंगे इस एपिसोड में कि कौन कौन सी चीज़ें उस ज़माने में हुई थी जो अब हमें जाके मिली हैं। सबसे पहले तो समुद्रगुप्त का जो रिप्रेजेंटेशन था, जो उनके कॉइन्स पे था या जो उनके चित्र बनाए जाते थे, वो वीणा बजाते हुए बनाए जाते थे। तो इससे ये पता चलता है कि उस ज़माने में राजा खुद एक अच्छे म्यूजिशियन हुआ करते थे। और ये भी देखा गया है कि समुद्रगुप्त ने बहुत ही उत्कृष्ट काव्य रचनाएं भी रची हैं, उन्हें कविराज भी कहा जाता था। तो वो एक अच्छे कवि भी थे, एक अच्छे म्यूजिशियन भी थे। और सिर्फ समुद्रगुप्त ही नहीं, जो काफ़ी राजा हुए हैं वो आर्ट में, म्यूज़िक, डांस में और लिटरेचर में, ये सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं। और कुछ राजा तो ऐसे भी रहे हैं जो ज्ञान विज्ञान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं। तो समुद्रगुप्त का रिप्रेजेंटेशन खुद में बहुत कुछ कहता है, वीणा बजाते हुए जो उनका रिप्रेजेंटेशन है। 2 meters हाई ब्रॉन्ज इमेज मिली है जो कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है। 2 meters ऊंची मूर्ति है जो कि बुद्धा की है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है, कांसे की बनी हुई मूर्ति है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, थोड़ा थोड़ा इन लोगों में डिफरेंस था। तो गांधार में जो बुद्ध का रिप्रेजेंटेशन था वो कोल्डनेस से था, वो उनके शांत चित्त स्वभाव से संबंधित था, जबकि जो मथुरा स्कूल में जो उनकी मूर्तियां और इमेजेस हैं वो उनके वार्म्थ और वाइटैलिटी को दिखाते हैं, उनकी जनरोसिटी को दिखाते हैं। तो कोल्डनेस यानी कि जिस समय वो शांत मुद्रा में थे, और वार्म्थ और वाइटैलिटी जहाँ पे वो लोगों को कुछ देने की, मतलब लोगों से कम्युनिकेट करने वाली मुद्रा में थे। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में उनका वार्म्थ दिखाया गया है, जबकि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो उनके कोल्डनेस को, उनके शांत मुद्राओं को ज़्यादातर दिखाया गया है। सारनाथ में बुद्ध की जो मूर्ति है वो कैसी है, सिटिंग इन हिज धर्म चक्र मुद्रा। तो सारनाथ में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूर्ति है जो कि भगवान बुद्ध की वहाँ पे है, धर्म चक्र मुद्रा में है। सारनाथ जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास है। बामियान में जो मूर्तियाँ थी अब ध्वस्त कर दी गई हैं, उसको वहाँ के लोकल जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने बुद्धा की जो मूर्ति थी बड़ी बड़ी वो सारी की सारी ध्वस्त कर दी हैं। लेकिन वहाँ पे जो मूर्तियाँ थी वो गुप्ता पीरियड से संबंधित थी और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि गुप्ता एम्पायर में लगभग शुरू से लेके अंत तक, नॉर्थ से लेके वेस्ट तक, और अगर ये हम लोग साउथ और ईस्ट, ये सारे के सारे जो दिशाएं हैं वहाँ पे बुद्ध, भगवान बुद्ध को काफ़ी माना जाता था, उनके प्रति काफ़ी श्रद्धा थी, और इस वजह से उनके बहुत सारी मूर्तियाँ जो हैं, मूर्तियाँ, इमेजेस मिली हैं। अजंता पेंटिंग्स और उसके साथ साथ ही उनके जो समकालीन है, पेंटिंग्स एट बाघ, बाघ की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में हैं, धार में, अजंता में और बाघ में, इन दोनों ही जगहों पर गुफाओं में की गई पेंटिंग्स हैं और रॉक्स से, पत्थरों से बनाई हुई मूर्तियां भी हैं। तो वो भी गुप्ता पीरियड की ही हैं और ये बुद्धिस्ट आर्ट से रिलेटेड हैं। कालिदास के बारे में सभी लोग जानते हैं, कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के सबसे बड़े विद्वान और ड्रामेटिस्ट, संस्कृत के सबसे बड़े काव्य रचनाकार कालिदास माने जाते हैं। तो कालिदास जो थे वो इसी गुप्ता पीरियड के ही थे और विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। उनकी कुछ बुक्स हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, विक्रम उर्वशी, ये सारी उनकी रचनाएँ हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट लिटरेरी वर्क्स में से एक है,
considered as one of the best literary works in the world and one of the earliest Indian work to be translated into European language, the other work being the Bhagavad Gita. तो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में ये जान लें कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट लिटरेरी बुक में से एक मानी जाती है और ये भारत की उन पहली पुस्तकों में से थी जिसे यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया. भगवद गीता को अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद में ट्रांसलेट किया गया, यानी भगवद गीता से भी पहले अभिज्ञान शाकुंतलम को ट्रांसलेट किया जा चुका था. यानी यूरोपियंस ने पहले अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ा और उसके बाद उनके अंदर जो भगवद गीता का ज्ञान आया, क्योंकि वो ट्रांसलेशन ही बाद में हुआ. तो इन सारे के सारे जितने भी रचनाएं हैं कालिदास की, इसमें से ऋतु संहारा, मेघदूतम, रघुवंश, ये हैं एपिक्स, ये लंबी कहानियां हैं. और इसके सिवा जो बाकी सब हैं वो प्लेज हैं जो संस्कृत में लिखे गए नाटक हैं. कालिदास के अलावा शूद्रक थे जिन्होंने मृच्छकटिकम लिखा था. मृच्छकटिकम के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे. मृच्छकटिकम एक बहुत ही सुंदर संस्कृत में लिखी गई रचना है. भरावी थे जिन्होंने किरट अर्जुनीय नाम की जो एपिक थी वो लिखी थी. दांडी थे जिन्होंने काव्य दर्शन और दश कुमार चरित्र लिखा था. दांडिन जो थे वो संस्कृत के ग्रामेरियन भी थे, मतलब संस्कृत के ग्रामर बनाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है. तो भाषा पर उनकी जो पकड़ थी और जो ज्ञान था वो भी अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा था. और भाषा ने भी 13 संस्कृत प्लेज लिखे थे जो कि उस ज़माने के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं और आज के ज़माने में भी बहुत कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं. इनमें से चारुदत्त नाम का जो प्ले था वो बहुत ही फेमस है. विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा था और देवी चंद्रगुप्तम भी लिखा था. तो ये विशाखा दत्त भी अपने ज़माने के बहुत ही बड़े रचनाकार हुआ करते थे. पंचतंत्र और हितोपदेश के बारे में हम सभी जानते हैं. इसके रचनाकार विष्णु शर्मा भी गुप्ता पीरियड में ही थे जिन्होंने इसी पीरियड में पंचतंत्र और हितोपदेश लिखी थी. गुप्ता पीरियड में संस्कृत ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ और इसमें पाणिनि और पतंजलि इनके जो कही गई चीज़ें थी, इनकी जो बनाए गए ग्रामर था उसी के बेस पे ये सारा का सारा डेवलपमेंट रखा गया था. दिस पीरियड इज़ पर्टिकुलरली मेमोरेबल फॉर द कंपाइलेशन ऑफ अमर कोश बाई अमर सिम्हा. अमर सिम्हा ने अमर कोश भी लिखी थी जो कि अपने ज़माने की कालजयी रचना थी और बाद में ये संस्कृत के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक भी सिद्ध हुई. रामायण और महाभारत इन दोनों का भी जो लोकल लैंग्वेजेस में लिखने वाला काम था वो भी गुप्ता पीरियड में बहुत ज़्यादा किया गया और 4th century AD तक ये जो पूरा कंपाइलेशन था ये पूर्ण किया गया. इससे पहले रामायण और महाभारत जो था वो काफ़ी बिखरे हुए स्वरूपों में था जिसको लोकल लैंग्वेजेस में लिखना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि इनकी भाषा बहुत ही कठिन मानी जा रही थी और लोकल लोगों तक नहीं पहुँच पा रही थी. तो लोग खुद पढ़ें समझें और अपने इतिहास को जाने, इस वजह से रामायण और महाभारत को लोकल लैंग्वेजेस में और ऐसे समझे जाने वाली लैंग्वेजेस में लिखना बहुत ज़रूरी था जिसका काम गुप्ता पीरियड में हुआ और 4th century AD तक रामायण और महाभारत को कंप्लीट किया गया. तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आर्ट एंड लिटरेचर से संबंधित थी और गुप्ता पीरियड में हुई थी. गुप्ता पीरियड को ऐसे ही नहीं गोल्डन एज कहा जाता है. इस ज़माने में आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा रफ्तार दी गई, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला लोगों को और लोगों ने भी इसका खूब फ़ायदा उठाया. लोगों ने काफ़ी कुछ अपने ज्ञान में बढ़ावा किया, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ और बहुत बड़े बड़े लोग इस ज़माने में हुए. यदि आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस लेक्चर के बारे में तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में. अगले लेसन में, अगले एपिसोड में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी. नमस्कार.